दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लगभग 7 महीने पहले रिलीज हुए आदिपुरुष के टीजर को फैंस के काफी गुस्से का सामना करना पड़ा था। इस नाराजगी का नतीजा इतना बड़ा था कि आदिपुरुष के निर्माताओं ने ये फिल्म, जो इस साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, इसे लगभग 6 महीने के लिए टाल दिया, जो अब आने वाली 16 जून को रिलीज होने वाली है। दोस्तों, इस दौरान प्रोड्यूसर्स ने उन सभी चीजों पर दोबारा काम किया जो फैंस को पसंद नहीं आ रही थी। रिवर की असल में जरूरत फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स यानी VFX को थी। अब इन तमाम रिवर्क्स के बाद आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और आज के वीडियो में हम इस ट्रेलर को रिव्यू करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य उजलमकर और आप देख रहे हैं ई फॉर एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आदिपुरुष का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है, तो अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेलर देखने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा कि बहुत कूल। हाँ, बहुत कूल। अगर आप पूछें कि इस ट्रेलर में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, तो वो है फिल्म के डायलॉग्स जो लिखे हैं शुद्ध हिंदी में। ये लिखने का काम किया है मनोज मुंतशिर जी, जो काफी फेमस डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर है। उन्होंने इस डायलॉग्स को लिखा है। उसमें से कुछ डायलॉग्स जो मुझे पसंद आए ट्रेलर में, जिसमें प्रभास यानी राम के रोल में जो प्रभास है, वो कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है। दूसरा एक डायलॉग था कि हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। और एक डायलॉग कृति सैनन ने, जिन्होंने सीता का रोल प्ले किया है, उनका एक डायलॉग मुझे काफी पसंद आया। वो था कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष्य तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना है। और अंत में जब पूरी वानर सेना लंका जाती है, तो उन्हें राम संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। और वही आखिरी के संग्राम में है कि गाड़ दो अहंकार की छाती, छाती में विजय का भगवा ध्वज। दोस्तों, ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो निश्चित रूप से थिएटर में दर्शकों की तालियां बदलेंगे। संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने इसके लिए काफी अध्ययन किया है, ऐसा मुझे लगता है। आदिपुरुष के स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में अगर कहा जाए, तो ये स्पेशल इफेक्ट्स यानी VFX जो टीजर में बिल्कुल ही फेल होते दिख रहे थे, अब ट्रेलर में ठीक ठाक नजर आया। VFX की क्वालिटी में भी सुधार किया गया है, ऐसा नजर आ रहा है। खास बात यह है कि टीजर के तुरंत बाद जो एकदम निगेटिव रिएक्शंस का फ्लड आ गया था, तो वो ट्रेलर देखने के बाद नहीं आती इमीजिएट निगेटिव रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसा टीजर में जो बंदर दिखाए गए थे, जिसको प्लैनेट ऑफ द एप्स जो हॉलीवुड की फिल्म है उससे रिसेंबल करके लोगों ने कंपेयर किया, वहाँ वो बंदर यहाँ कम नजर आ रहा है। हालांकि अब फिल्मों में कितना काम किया गया है और इनको कितना रखा है, ये अभी कहना मुश्किल है। मुझे जो चीज और एक पसंद आई, वो है संचित और अंकित बल्लारा की जोड़ी का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो उन्होंने काम किया है बैकग्राउंड म्यूजिक पे, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। और म्यूजिक डायरेक्टर अजय अतुल के संगीत निर्देशन में जो गाना बनाया, थीम सॉन्ग जय श्री राम, इसका बैकग्राउंड में जो यूज किया गया है, वो बहुत ही प्रभावी लग रहा है। प्रभास ने जो राम की भूमिका निभाई, उनमें अभी भी थोड़ी थोड़ी बाहुबली की फिल्मी झलक आ रही है। साथ ही टीजर में जो सीता कृति सैनन जो ग्लैमरस लग रही, तो ट्रेलर में भी वो ग्लैमरस लुक में दिख रही है। तो उनका गेटअप भी वैसा ही है जैसा टीजर में था, उसमें निर्देशक या उनकी टीम ने कुछ चेंजेस किए हैं। रावण के लुक के ऊपर काफी आलोचना हुई थी। निर्देशक ने ऐसा स्मार्ट मूव खेला है ओम राउत ने, कि ट्रेलर में रावण को ज्यादा फुटेज दिया ही नहीं, ट्रेलर में ज्यादा रावण दिखते ही नहीं। ट्रेलर के अंत में एक डायलॉग उनका है, रावण का एक घमंडी मुस्कान देते हुए एक डायलॉग है
कि जिसमें रावण कहता है कि ब्रह्मांड में जो पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षस है, अब लक्ष्मी को पा ले, नारायण हो जाए। काफी अच्छा डायलॉग है और यहीं पे फिल्म का ट्रेलर खत्म हुआ। तो दोस्तों ये ट्रेलर ना ही आपकी उम्मीदों को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और ना ही टीजर जैसा आपको एकदम निराश कर देता है। ये काफी बैलेंस ट्रेलर और फिल्म 3D में है, तो ट्रेलर में जो भी स्पेशल इफेक्ट्स हमको दिखते हैं वो थिएटर में 3D वर्जन में और मजेदार दिखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए टीम के सिनेमाघरों में कल जो ट्रेलर लॉन्च हुआ वो 3D वर्जन का लॉन्च हुआ और सिनेमाघरों में लॉन्च हुआ, जो और एक स्मार्ट मूव है निर्माताओं के ओर से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह एक संतुलित ट्रेलर है और कम से कम ट्रेलर देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फीलिंग है, एहसास होता है कि आदिपुरुष एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रहेगी और बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा बिजनेस करेगी। देखते हैं दोस्तों होता क्या है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा और E4 Entertainment YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।